आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अतिक्रमण को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर लगाया गुहार। कैमूर में कल्याण मंत्री ने किया पत्रकारों से सवाल, प्रधानमंत्री मोदी को बताया डुप्लीकेट जाति के। मुजफ्फरपुर में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन, अनुसूचित जाति के कल्याणकारों की समीक्षा की। भागलपुर में झोला छाप, डॉक्टर ने ली बच्चे की जान, अवैध रूप से चल रहा था हॉस्पिटल। भागलपुर में झूठी कहानी रचाने वाले शिक्षक ने कोर्ट में खुद को किया सरेंडर, शिक्षक ने रेप के मामले में रचाई थी झूठी कहानी। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर रोहतास से है, जहां दीपावली छठ पर्व में सुरक्षित यात्रा को लेकर रेल में चलाई जा रही चेकिंग के बीच सासाराम रेल पुलिस ने विदेशी शराब तथा भारी मात्रा में गांजा लावारिस हालात में ट्रेन से बरामद किया। वहीं दीपावली छठ त्योहार में सुरक्षित यात्रा को लेकर पदाधिकारी के निर्देश पर लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके चलते पुलिस ने दो अलग अलग ट्रेनों में शराब और गांजा बरामद किया है। बड़ी सीजन चुकी आ चुके हैं और बड़ी अधिकारियों का निर्देश है कि लगातार जो है गाड़ियों में चेकिंग सुनिश्चित किया जाए, जिसके मद्देनज़र जो है त्योहारों के मद्देनज़र गाड़ियों में लगातार सघन चेकिंग आरपीएफ के द्वारा चलाई जा रही है। इसी चेकिंग के क्रम में जो है गाड़ी संख्या 186/12 से जो है एक जो है काले रंग का पिट्ठू बैग लवारिस हालत में बरामद हुआ था। वहाँ पर कोई दावेदार नहीं था, जिसमें से जो है कुल 20 अदद जो है 375 ml की विदेशी शराब जो है बरामद किया गया है। खबर सहरसा से है, जहां के व्यवहार न्यायालय में आचार संहिता उल्लंघन मामले को लेकर पूर्व सांसद व्यवहार न्यायालय पहुंचे, जहां व्यवहार न्यायालय परिसर में उनके पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं पेशी के बाद पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव बिहार का यह चुनाव ना तो नरेंद्र मोदी पर हो रहा है और ना नीतीश लालू पर। और अब हरासमेंट भी उतना ही हुआ, तो ये मैं मानता हूँ इसको कि हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसमें कहीं ना कहीं भूल हुई है, चूक हुई है। अब उसको बेहतर तरीके से सुधार कर अत्यंत पिछड़ा जो आरक्षित सीट है, जो अधिक जिस पर हमला है, जो केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़ा दलित STSC को मौका मिले, और यह आज से नहीं, जब से 27% आरक्षण मिला है तब से उसका कोई समीक्षा नहीं हुई। बिहार शरीफ मुख्यालय स्थित पैरू महतो सोमारी कॉलेज परिसर में अचानक एक साथ फिट का मोटा अजगर सांप दिख गया, जिसके बाद भयभीत होकर इसकी सूचना लोगों को दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे कुछ मोहल्ले वासियों ने सांप के सिर को कुचल दिया। वहीं अगली सुबह अजगर को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया और मौके पर मौजूद लोग अजगर को अपने मोबाइल में कैद करते हुए देखे गए। खबर सहरसा से है, जहां दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधी ने घटना को अंजाम दिया। बता दें, नवहटा प्रखंड के नौला पंचायत अंतर्गत रसूलपुर गांव निवासी SBI CSP संचालक के पास से बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े 1,13,000 रुपये हथियार के बल पर लूट लिया। बता दें, घटना मंगलवार सुबह 3 बजे के करीब की बताई जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई। कैसे घटना हुई? यहाँ पर ATM में जब गए थे, उसके बाद एक लड़का आया पैसा निकालने, पैसा ट्रांजेक्शन या नहीं किया, निकल हम जब पैसा निकल के निकल रहे थे तो रोहा नहर के पहले जो हमें हमसे पैसा छीन लिया गया, 1,10,500 ATM से निकाले थे,
3200 मेरे संग से वो भी ले लिया पिस्टल सटा करके। क्या नाम है? खबर रोहतास से है जहां एसपी आशीष भारती ने डेहरी स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि रोहतास पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि काराकाट थाना अंतर्गत मिश्र बलिया गांव के हनुमान मंदिर के पास एक घर में कुछ अपराधियों ने चोरी की मोटरसाइकिल छिपा कर रखी है। वही सूचना पाकर मौके पर कार्रवाई करते हुए रोहतास एसपी आशीष भारती ने काराकाट थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया और गठित विशेष टीम के द्वारा उक्त स्थान पर छापेमारी की। वहीं रोहतास एसपी आशीष भारती ने बताया कि अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। लगातार अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, खास करके वैसे अपराध कर्मी जो गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं उनके विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि एक अपराधी एक अपराधी अपने कुछ अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर ये कुछ अपराधी घटना को अंजाम देने वाला है। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए काराकाट थाना अध्यक्ष तथा विशेष टीम को वहाँ पर भेजा गया, जिसके द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा गया है जिसका नाम है बिकलेश कुमार चौधरी उर्फ मिथिलेश चौधरी, जो कि रहने वाला दरियट का है। और इससे जब इसके पास से एक देसी कट्टा एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। नवादा के कलेक्ट्रेट के समीप बने रैन बसेरा में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय द्वारा नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग को पुनः 20% सीट आरक्षित कर चुनाव कराने की मांग को लेकर नवादा जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना किया। वही धरना में आए लोगों को संबोधित करते हुए नवादा जिला अध्यक्ष पंकज शर्मा ने कहा कि आज जिस तरह से नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग को दिए गए 20% आरक्षण को छीन लिया गया है उसमें अति पिछड़ा समाज में काफी आक्रोश है। उन्होंने बिहार सरकार में कानूनी प्रक्रिया पूरी कर जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव कराने की मांग की है। चुनाव में जो अति पिछड़ों का आरक्षण पे जो षड्यंत्र और साजिश जो हो रहा है इसके खिलाफ जो अभी नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों का जो उम्मीदवार थे लाखों लाख जो खर्चा करने के बावजूद और आज वो हाशिए पर है कि चुनाव नहीं होगा, तो धन भी गया और धर्म भी चला गया। इसलिए राजनीतिक गलियारों में संदेश देना चाहते हैं कि आबादी के अनुरूप 40% अति पिछड़ों की आरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए। मुजफ्फरपुर में अनुसूचित जाति वर्ग समूह का कल्याण तभी होगा जब उन्हें शिक्षा अनिवार्य रूप से जोड़ा जाएगा। उक्त बातें मंगलवार को सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार सुभाष पारधी ने कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में कहा। तिरहुत प्रमंडल के सभी संबंधित जिलों में अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए की जा रही कार्य योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही संयुक्त सचिव राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और निदेशक ने भी जिले के अनुसूचित जाति के कल्याण के नियमित किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। मुजफ्फरपुर संभाग के समीक्षा मीटिंग में सभी आईजी कलेक्टर डीआईजी एसपी उपस्थित थे, हमारे कमीशन से संयुक्त सचिव और डायरेक्टर भी दिल्ली से आए। कुछ मुजफ्फरपुर संभाग के अंदर कुछ शिक्षण संबंधित जो विषय था उसके ऊपर विशेष करके हमने फोकस किया, क्योंकि अनुसूचित जाति वर्गों का बच्चों का अगर शिक्षण का स्तर बढ़ेगा तो आने वाले समय में उसकी तरक्की होंगी, उसको रोजगार के साधन उपलब्ध रहेंगे। साथ ही जो बच्चे पढ़े हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती है उनको रोजगार करने के लिए बैंकों ने राष्ट्रीयकृत बैंक हो उन्होंने लोन देना चाहिए, बाइंडिंग भी स्टैंडअप योजना अंतर्गत प्रत्येक ब्रांच में लोन देना चाहिए। खबर मुजफ्फरपुर से है जहां मरीज के लिए बनाए गए बेड पर कचरा उठाया जा रहा है। इस वीडियो को देखकर एक बार फिर से सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई तरह के सवालिया निशान खड़े होते दिख रहे हैं। बता दें ये सब अस्पताल के सफाई कर्मियों की मनमानी का नतीजा है कि सदर अस्पताल को एमसीएच के लिए आवंटित
नए बेड बगैर उपयोग किए बेड में कचरा ढोते हुए नजर आए। इस वीडियो को देखकर एक बार फिर से सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई तरह के सवालिया निशान खड़े होते दिख रहे हैं। कचरा ढोने का वीडियो सामने आया है, सदस्य ने लापरवाही किया है, उसको देख लेते हैं, उसके लिए कौन उत्तरदायी है, उसको दंडित करेंगे। इतनी बड़ी लापरवाही लगती है सर, जहाँ एक तरफ बेड के अभाव में मरीजों का इलाज जमीन में हो रहा है, वहीं बेड से कचरा। एकदम गलत बात है, जो चीज़ है उसके लिए उपयोग उसी का होना चाहिए। मैनेजर को बुला करके भी पूछते हैं, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, उस पर कार्रवाई करेंगे। बायोमेडिकल बेस्ट पर। खबर भागलपुर से है, जहां एक पिता ने अपने पुत्र की गिरफ्तारी को लेकर अनशन पर हैं। ताजा मामला भागलपुर के कलेक्ट्रेट परिसर का है, जहां आदमपुर और टीओपी अंतर्गत मसा कचक के रहने वाले युवक ने अपने बेटे की गिरफ्तारी के लिए जिला अधिकारी कार्यालय के पास पिछले 9 दिनों से आमरण अनशन पर है। कुछ भी लेने को तैयार नहीं है। अभी क्या कंडीशन है? और ब्लड शुगर सामान्य है, कंडीशन अभी स्टेबल है, ब्लड शुगर इनका 118 है, सामान्य है। अभी फिलहाल इनको किस तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट दिया? मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ भी लेने को तैयार नहीं है ये। खबर भागलपुर से है, जहां जिले के मधुरा सीमानपुर गांव के छात्रा से रेप के मामले में सजा से बचने के लिए अपनी ही मौत की झूठी कहानी रचने वाले शिक्षक ने कोर्ट में खुद को सरेंडर किया और नीरज मोदी ने कोर्ट पहुंचकर खुद को आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद कोर्ट ने शिक्षक को न्याय हिरासत में लेकर जेल भेजा और आरोपी पर कार्रवाई शुरू की। टीचर कौन सा स्कूल में? वो भी मालूम नहीं। कौन सा स्कूल में? ये भी मालूम नहीं, नहीं मालूम। आप मतलब कि स्कूल वगैरह भी नहीं चेक करते? नहीं चेक किए, हमको इतना तक पावर नहीं। सरपंच सर, 14 अक्टूबर 2018 की घटना है, नीरज मोदी पे आरोप था कि उन्हीं के विद्यालय की एक छात्रा के साथ उनका दुष्कर्म किया गया था। उसके पश्चात जो है उनका छात्रा की जो परिवार है वो न्यायालय गई, न्यायालय का दरवाजा खटखटाई पर एक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया नीरज मोदी का और बाकायदा सरेंडर किया। उसमें घटना क्या था कि धर्मेंद्र नाम का एक आदमी, वो इन्फॉर्मेंट था, वो आकर के एक सूचित किया कि मेरी लड़की के साथ जो है ज़बरदस्ती जो है बलात्कार किया नीरज मोदी। नीरज मोदी जो है के खिलाफ जितना गवाही था सब हो गया था, सिर्फ एक डॉक्टर बाकी था। वो ऐसी परिस्थिति में जान गया कि हमको इस केस में सजा होने वाला है, वह एक जानबूझ करके एक अपने फादर को खड़ा करके एक ग्राम पंचायत से जो है बिहार सरकार के ग्राम पंचायत से मृत्यु प्रमाण पत्र जो जिंदा जलाता है लाश सास का जितना चीज़ है एक सर्टिफिकेट ला करके थाना में दिया और मृत्यु प्रमाण पत्र ला करके ये साबित कर दिया कि कोर्ट में देखिए नीरज मोदी जो है मर गया। नीरज मोदी जब मर जाने के बाद कोर्ट में आकर के तेनेश्वरली उस केस को बंद कर दिया गया। उसके बाद सितंबर जो है 22 में ही आकर के इसी पुरबारा थाना। खबर कैमूर से है, जहां बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने जब पत्रकारों से सवाल किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह प्रधानमंत्री को डुप्लीकेट जाति वाला बता रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि ललन सिंह गलत क्या कह रहे हैं, जो भी बातें कह रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी देश के बारे में सोचना चाहिए। देश काफी परेशान हो रहा है, देश कैसे जा रहा है इसके बारे में उनको सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री को भी देश के बारे में सोचना चाहिए, देश परेशान हमारा है, देश कैसे जा रहा है उसके बारे में भी सोचें। जब प्रदेश के मुखिया हैं तो उनके बारे में हर समाज में चलना चाहिए, सबको लेकर चलना चाहिए, विकास की बात करना चाहिए। वो तो जहाँ जाते हैं मंच पर ऐसी हरकतें ऐसी बातें करते हैं, विकास को लेना देना नहीं है। डुप्लीकेट जाति वाली जो बात आ रही है कि उन्होंने डुप्लीकेट जाति प्रमाण पत्र बनवाया है, क्या शांति का ठीक कह रहे हैं, जानकारी ज्यादा है।
खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां रामनगर प्रखंड के खटौरी पंचायत में ग्रामीणों ने अतिक्रमण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और ग्रामीणों ने बताया कि हरिहर यादव के घर से लेकर काली मंदिर तक अतिक्रमण है, जो नाले की बहाव बंद हो चुका है, जिसको लेकर मुखिया पति विजय कुमार नाग से अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर गुहार लगाया। वहीं इस संबंध में मुखिया ने बताया कि जो नाला का अतिक्रमण किया गया है, इस समस्या को लेकर बीडीओ व सीओ से बात करके समस्या का समाधान किया जाएगा। बंद हो गए, सब जाम हो गए, जाम हो गए, पानी निकल आप सोचना नहीं है मुखिया को मुखिया तो अब कहनी है मुखिया तो मुखिया कहल है धान कटाई या जो पानी झराई तब न हो बंद हो गए दूसरा का दुआर पर लोग आता लोग अपन बंद कर लो बंद हो गए तो हो गए बंद हो गए तब रास्ता ना के जे लोग जाई घर में ना लोग अपन बेटी पतो लेके जाई तो मुखिया जी का कहले बानी माने मुखिया जी के भल है पानी नाली झराई सब के कह जे पानी झराई तो पानी झरा जे नाली बना दे जा ना झराइल बा तो लोग रोज अपने में झगड़ा करता है हमार पानी के पड़ जाई हमार पानी के पड़ जाई पहले के रास्ता आदमी पानी रहा बंद हो गए सर हमनी के क्यों पर जाए ले बर पैखाना ठीक ना जाए तो हमने क्यों बाहर जाए जानते पूरा पॉइंट को भर लिया है इसको साफ कर सब लोग एक दिन रेडी कर सब लोग दरखास्त ले सीओ वीडियो बुला कर अमीन बुला कर इसको साफ करवाएंगे ये जनता का अथी है पॉइंट है सर्वे का पॉइंट है पॉइंट लोग भर कर अतिक्रमण कर लिया है लोग खबर सुपौल से है, जहां पिपरा नगर पंचायत क्षेत्र में पुराने सफाई कर्मी को हटा देने और नए सफाई कर्मी को काम पर लगा देने के विरोध में पुराने सफाई कर्मी नाराज और आक्रोशित हैं। यही कारण है कि तमाम पुराने सफाई कर्मियों ने हाथ में झाड़ू लेकर पिपरा बाजार में महावीर चौक के पास सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, जिसके चलते NH 106 और NH 327E पर घंटों आवाजाही बाधित रही। जाम की सूचना पर पिपरा थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह अपने दल बल के साथ पहुंचे और समझान बुझाने का काम किया। केला खरीदे, केला से काम कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे रोड पे, दुकान वाला सर से सफाई काम, एक एक रुपया हमको सर दे रहा था, हम लोग झाड़ू मार रहे थे, साफ कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, सुपौल से आया मिश्रा सर आया तो बोल रहा है क्या, ए तुम नगर पंचायत मतलब वो बोला आ रहा नगर पंचायत तरफ आया करोगे, तू बोला कि नगर पंचायत हम काम करोगे, कहे हाँ सर करेंगे। तो उसके बाद कल कि जब वो कल से आना काम तुमको लोग को पिपरा कराएंगे, तो पिपरा में जो हम लोग सर है काम करने के लिए आए, उससे बयान हो गए काम करने लगे, 2-3 साल काम किया। उसके बाद अचानक आज तो है हम लोग को कोई पता खबर नहीं किया, अचानक जो लेबर लगे दूसरा लेबर से काम करवाया है सर, हम लोग के मतलब बाल बच्चा जो मतलब 2 साल से काम करते बाल बच्चा हमारे 2 साल से काम करते सर, इतना हमारे गरीब नगर पालिका में काम करे छे, बिना पूछल सर आप के मिस्टर एमे काम करे लागले सर, हम के दूर जा धर समाज दे रहे दुकान दुकान मिल रहा था 2-4 रुपया पैसा ही मिल रहा था, काम करे ऐसा मिश्रा जी वो ठेकेदार आया सी बोल से नगर परिषद से, वो बोला कि काम करोगे हमारे पास, हम यहाँ सर करेंगे, हमको 20 आदमी चाहिए, अरे सर ठीक है हो जाएगा, हमारे घर पर गया सबको नाम लिख के सर वो सुबह लिख लिया, वो बोला कि कल से काम नगर पंचायत पिपरा बाजार में आ जाना, वहाँ से काम स्टार्ट होगा। जाम यहाँ पे सफाई कर भी लोग यहाँ पे आए थे और लोग मांग कर रहे थे अपनी, उनको बोला गया है कि वो हमारे पास आए और आवेदन दे लिखित में कि उनकी क्या मांगे हैं। ठीक है सर, हम लोग जो है पहले जो है बाजार में ठेला खरीद कर जो है सब वर्कर सब काम कर रहा है, और ठेला खरीद कर काम कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था, तो दुकान पैसा लेता था, 1-2 रुपया जो खुशी से होता था सबको देता था। उसके बाद जो सुपौल से कुछ सर लोग आए नगर पंचायत से, तो मिश्रा सर आए, वो बोले कि घर पे जाके आप लोग काम कीजिएगा, तो हम लोग बेरोजगार थे तो सर हम लोग क्या करते, पहले 1-2 रुपया मिलता था, तो हम लोग सोचे चलो ठीक है बेखारिये रहते हैं तो चलो काम धर लेते हैं, उस दिन से हम लोग काम धर लिए, तो काम जो धर लिए उस दिन से तो फिर काम स्टार्ट हो गया, 2 साल करीब 2.5 साल काम किए, आज के डेट में हम लोग का काम बंद हो गया और दूसरे जगह का नस्तर सब आके पिपरे का। आप लोगों को क्यों हटाया यहाँ से? हम लोग को हटाया ये भी पता नहीं है सर। खबर
खबर मोतिहारी से है, जहां प्रदेश उपाध्यक्ष एवं लोकस बिहार के वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर उमेश चंद्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि नीतीश कुमार अति पिछड़ा के साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण के भी विरोधी हैं। हाल ही में 21 फरवरी 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक मामले की सुनवाई करते हुए बिहार के लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से बाहर कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीएसटी में इसे शामिल किए हैं तो वो या तो जवाब दे, इसका एक महीने का हम वक्त देते हैं, जवाब दे, अन्यथा पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा दे। और माननीय मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपया दंड स्वरूप उसको देना कबूल किया, लेकिन लोहारों के हित में इसके लिए कोई जवाब नहीं दिया, जिसके चलते हम लोग के हजारों छात्र नौजवान युवा सभी रोड पे आ गए। डेहरी शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर निर्मल कुमार कुशवाहा के पुत्र डॉक्टर आनंद प्रकाश की सड़क हादसे के दौरान सुल्तानपुर एक्सप्रेस पर दर्दनाक मौत हो गई और मौत के बाद परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे जदयू सांसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना को काफी दुखद घटना को काफी दुखद बताया और उन्होंने कहा कि लगातार पार्टी के कार्यक्रम में उनका आना जाना हो रहा है, लेकिन इस घटना के कारण कई कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। बता दें कि इस दौरान मौके पर जदयू नेता शिवशंकर कुशवाहा के साथ काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। खबर नालंदा से है, जहां अवैध हथियार के साथ एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि युवक खाट पर बैठा हुआ है एवं अवैध हथियार की साफ सफाई कर रहा है और बड़े ही आराम से वीडियो भी बनवा रहा है। सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड एवं प्रतापगंज प्रखंड में व्यापार मंडल निर्वाचन 2022 में व्यापार संघ अध्यक्ष पद के लिए कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। आपको बताते चलें कि प्रतापगंज प्रखंड में कुल 2 उम्मीदवारों ने व्यापार मंडल अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पर्चा भरा, जिसमें व्यापार मंडल अध्यक्ष सुदर्शन ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि इससे पहले भी मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष पद पर रह चुका हूँ और इस बार भी मुझे जीत की पूरी उम्मीद है। और मेरा पंचायत श्रीपुर पड़ता है, वहाँ का ही निर्विरोध पंचायत अध्यक्ष रहा हूँ। आज आप नॉमिनेशन दिए, व्यापार मंडल में नॉमिनेशन दिए हैं, इसमें आप अपने प्रखंड के वासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा जो उचित लगे वो काम करे और मेरे पक्ष में वोट दे। आज तक हम संघर्ष करते आ रहे हैं और यहाँ पे 10 सदस्य का कमेटी है, जिसके लिए 6 सदस्य के मत से ही जीता जा सकता है। मंगलवार को गायघाट सामाजिक मंच के बैनर तले 9 सूत्री मांगों को लेकर मंच के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह के नेतृत्व में किसान और मंच के कार्यकर्ताओं के साथ जिला अधिकारी कार्यकाल के समक्ष घटना स्थल पर एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे और किसान से जुड़े कुछ मांगों को लेकर भूख हड़ताल भी की, ताकि सही समय पर किसानों को खेती करने के लिए खाद बीज सिंचाई और बिजली उपलब्ध कराया जाए, जिसमें किसानों को खेती करने में समस्या ना हो। साथ ही शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर भी मंच के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को रखा। किसानों की जो समस्याएं हैं, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, हर तरफ से किसान ही पीछे जाते हैं, तो हमारी मंच के बैनर के तहत हम किसान प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष भी आए हैं और सारे किसान और कार्यकर्ताओं के साथ हम आज जिलाधिकारी के समक्ष एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी 9 सूत्री मांगे हैं जो मुख्तक किसानों से मिलता जुलता है और किसानों का ही है। खबर लखीसराय से है, जहां खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेवटा क्रिकेट क्लब कुशवाहा टोल के द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और इस क्रिकेट टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि समाज सेवी बिट्टू पटेल बनाए गए, जिन्होंने फीता काट कर मैच की शुरुआत की। इस दौरान मंटू यादव और अभिषेक रावत के साथ कई लोग मौजूद रहे।
खबर नालंदा से है, जहां बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री ने जिले के राजगीर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत 5 लाभार्थियों को आपदा के तहत मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20,000 की राशि का चेक वितरण किया। वहीं इस दौरान नगर परिषद राजगीर के द्वारा किए जा रहे कचरा प्रबंधन कार्य से जुटी महिला कर्मियों ने मंत्री से शिकायत किया। नगर परिषद के द्वारा उन लोगों को आवास योजना के लाभ से वंचित रखा गया, जबकि उन लोगों को आवास की सख्त जरूरत है। लाभ योजना के तहत 20,000 रुपया दिया गया है। कुछ लोग पानी में डूबते हुए जिनका निधन हो गया, जिनके परिवार का, कुछ लोग का निधन दूसरे अन्य कारण एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट में हो गया है, तो उनके परिवार को, उनके आश्रितों को 20,000 रुपया का चेक का भुगतान किया गया है। और कुछ लोग को पहले 4,00,000 रुपया, 5,00,000 रुपया का भी भुगतान किया गया है। शेष लोगों का नहीं हुआ है, प्रक्रियाधीन है। जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उनको भी 5,00,000 का जो एक्सीडेंटल केस है, जो पानी में डूबे हैं, उनको 4,00,000 आपदा विभाग से उनको। खबर मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र से है, जहां एक युवक ने फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें, मृतक युवक की पहचान जिले के कांटी थाना क्षेत्र के शहबाजपुर के रहने वाले एक युवक के रूप में की गई है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमको तो इस घटना घटा उससे 15 किलो दूरी घर है हमारा। थाना से जब साहब हमारा निकले हैं, जमदार साहब, उनकी है कि शहबाजपुर आई है, शहबाजपुर गए, उसके बाद वो अपना कागज उधर बनाए ना हमको दिए कि मेडिकल लेकर के जाइए। आत्महत्या है, क्या है कैसे मामला? वो आत्महत्या है। हमको पता चला है 2:30 बजे में, हमको फोन आया था घरे से कि ऐसे ऐसे बात हो गया है कि उसका तबीयत बहुत खराब है, आ जा। उसको पप्पा लोग सूतल थे जोन रूम में वो सूता हुआ था, उस रूम में मतलब रूम बंद था अंदर से। तो 2 बजे में उसकी पत्नी फ़ोन की है कि ऐसे ऐसे बात है, रूम मतलब नहीं फ़ोन उठा रहा है, देखिए उसको जा कर के। जो देखे हैं तो रूम नहीं खोला है, तो अब अंदर से जंगला से देखे हैं। खबर रोहतास से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड अंतर्गत पहलेजा रेलवे रैंक पॉइंट पर कार्यरत मजदूरों ने परिश्रमिक को लेकर जमकर हंगामा किया। वहीं आक्रोशित मजदूरों का कहना है कि मजदूरों को तय मानव से कम मजदूरी का भुगतान किया जाता है और 2-2 महीने तक से परिश्रमिक भुगतान भी नहीं किया जाता। बताइए कैसे चलेगा हाल, हो जाएगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, यही दिक्कत है हमारा। बोल रहा है कि नाम काट के हटा देंगे तुमको अगर ज्यादा बोलेगा तो पैसा। पर कहता है कि हमको तुम लोग बैठाया है, अब इनको क्यों मेठ बना दिया सर, हम लोग गरीब आदमी सर, बाल बच्चा खाइले बिना। खबर रोहतास से है, जहां जिले की चिनारी थाना अंतर्गत नारायणा के पास एक युवक की हत्या के बाद परिजनों में आक्रोशित ग्रामीणों ने चिनारी शिव सागर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया और चिनारी थाना की पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और मृतक की पहचान नारायणपुर गाँव के युवक के रूप में हुई। किसी के घर में समा के मुआ देता हूँ जा, कोई के रोड पर बुला के मुआ देता हूँ जा, हमनी के पुलिस के ना मानल जाई, हमनी के सीबीआई जा चोके के चाहिए जा। के मुआ ले बा, के मुआ ले बा, मुआ वाला के भी पता नहीं था के मुआ ले बा, माने के काहे मुआ बतावन जा, काहे से मुआ बतावन जा। का नाम बा जे मृतक बा, ओकर का नाम बा? अमन कुमार। हैं अमन कुमार। आपके बानी उनकर? उनकर दादी बानी। खबर भागलपुर से है, जहां एक झोला छाप डॉक्टर ने मासूम बच्चे की जान ले ली। यह ताज़ा मामला भागलपुर जिले के अंतर्गत कहलगांव का है, जहां के केला आरहट के पास गंगा सेवा सदन के नाम पर अवैध रूप से झोला छाप डॉक्टर अपना अवैध हॉस्पिटल चला रहा है। अब सवाल यह उठता है कि कहलगांव शहर के बीचों बीच यह डॉक्टर मनोज कुमार सिंह किसके छत्र छाया में इतना बड़ा हॉस्पिटल अवैध रूप से चला रहा है, जबकि इस हॉस्पिटल में पहले भी कई घटना घट चुकी है। जिला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी भागलपुर सर, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष बिहार प्रदेश, क्या कहना चाहते हैं? आज जो
गंगा सेवा सदन में एक बच्चे की मृत्यु हो गई है जी। ये दुखद घटना है और इसके पास न कोई रजिस्ट्रेशन है न कोई डॉक्टर है, ये आयुर्वेदिक लाइसेंस पर ये गलत ढंग से क्लिनिक चला रहा है। अभी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भागलपुर से हमारे संवाददाता बादल सिंह हमसे जुड़ेंगे। बादल, भागलपुर में बड़ी घटना सामने आई है, झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से एक बच्चे की जान चली गई है, पूरा मामला क्या है? जी मयूरी जी, आपको बताना चाहूंगा, यह मामला भागलपुर जिला के कहलगांव शहर का है, कहलगांव प्रखंड, कहलगांव शहर के बीचों बीच क्लिनिक है गंगा सेवा सदन के नाम से। गंगा सेवा सदन के जो संचालक है मनोज कुमार सिंह, दो एमबीबीएस डॉक्टर का जो बैनर है वो लगा करके रखते हैं और उसके आर में अपना गोरख धंधा चलाते हैं। इससे पहले भी वहाँ ऐसी घटनाएं हो चुकी है। कल शाम की जो घटना है, एक नवजात शिशु जो कि जन्म के बाद तुरंत बाद जो डॉक्टर है जो मनोज कुमार सिंह इलाज करते हैं झोला छाप डॉक्टर, उसकी लापरवाही के वजह से एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बारे में भागलपुर जिला के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है उनके द्वारा भी कहा गया कि यह बहुत ही निंदनीय घटना है और ऐसी घटना कहलगांव शहर में खुलेआम हो रही है, एमबीबीएस डॉक्टर की आर में जो गोरख धंधा चलाया जा रहा है। आखिर कब तक झोला छाप डॉक्टर लोगों की जिंदगी से खेलते रहेंगे? बादल, ये एक बड़ी घटना है, डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत हुई है, तो अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है डॉक्टर के खिलाफ? आपको बताना चाहूंगा कि जो डॉक्टर है उनके द्वारा जो पहले भी अगर कोई घटना अगर होती थी तो डॉक्टरों के द्वारा जो वहाँ के जो लोकल दलाल जिसको कहें हम जो बिचौलिया कहें उसके द्वारा परिजनों को माइनस कर लिया जाता है। और जिसके बाद फिर जबकि आपको बताना चाहूंगा कल जब बच्चे की मौत हुई थी, जो नवजात शिशु की मौत हुई थी, उसके बाद फिर परिजनों से दबाव बनवाकर ये कहा गया कि यहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई है, जबकि वीडियो में साफ तौर पर है कि चार महिलाएं हैं और वो मरे हुए मृत बच्चे को गोद में लेकर के रो रहे हैं, धो रहे हैं। इसके बावजूद जो वहाँ के डॉक्टर हैं, जो संचालक है, उसके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है नहीं, इस प्रकार की यहाँ कोई घटना नहीं हुई है। तो कहलगांव शहर में बीचों बीच यह क्लिनिक है और आज तक जो भागलपुर जिला के सिविल सर्जन है उनके द्वारा पिछले बार भी जाँच किया गया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई इसके ऊपर नहीं की गई है, कोई भी ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है इसके द्वारा। कहलगांव शहर के बीचों बीच गंगा सेवा सदन है जी। बादल, बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल अवैध रूप से चलाया जा रहा था, इससे पहले भी कई घटना घट चुकी है, तो इससे पहले क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई इस पर? सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की गई है। इसके पहले जब सिविल सर्जन जब जांच के लिए आए थे तो उनके द्वारा कोई ठोस कदम नहीं लिया गया, जिसके बाद ये नई घटना सामने आई और जो क्लिनिक के जो संचालक है अपने क्लिनिक में दो एमबीबीएस डॉक्टर का नाम रखे हैं, जो कि कहलगांव शहर के जितने भी आम जनता अगर उनसे अगर पूछा जाए तो वो साफ तौर पर कहते हैं यहाँ कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बैठते हैं, बस जो झोला छाप डॉक्टर हैं मनोज कुमार सिंह जी उनके द्वारा अवैध रूप से संचालन किया जाता है, खुद उन्हीं के द्वारा इलाज भी किया जाता है जिससे कि लापरवाही से बच्चे की मौत होती है या फिर किसी भी कोई भी प्रकार की दुर्घटना होती है, निंदनीय घटना होती है। अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है जी। धन्यवाद बादल तमाम जानकारियों के लिए। बिहार की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।